गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में फर्स्ट टाइम गेट अनरेडी विथ मी करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो 5 आवर्स पहले मैंने ये वाला लुक क्रिएट की थी एंड इसका हेयर स्टाइल भी आप देख सकते हो कितना प्यारा सा है मेरा हेयर स्टाइल। एंड मैंने सोचा चलो यार घर पे आते ही मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूँ ताकि आपको एक हेल्दी ग्लोई सी और लुक पाने में आपको हेल्प मिले। साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हो मेरा जो मेकअप लुक थे ना एकदम फ्लॉलेस फिनिश है। गाइस आप देख सकते हो साइड में मैंने इस ड्रेस के साथ ये वाला ज्वेलरी पेयर अप करी थी एंड मेरा हेयर स्टाइल ना बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मैंने कोई भी इयर रिंग वगैरह कुछ भी नहीं पहना था, बस इन मेरे बालों को थोड़ी सी कल कर ली। तो चलिए फटाफट से आई एम रेडी विथ मी एंड विथ स्किन केयर प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डियर मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मेरा अनरेडी विथ मी होगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ज्वेलरी को उतार लेती हूँ। एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, समर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस। टाडा, तो देख सकते हो मेरा ज्वेलरी एंड मेरा जो ड्रेस है ना मैं ना स्वेट से एकदम भीग चुकी हूँ एंड अब देख सकते हो। चलिए तो फटाफट से मैं आई लैश को भी उतार लेती हूँ। ये ना पैक का आई लैश है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसको उतरने के टाइम ना थोड़ी सी ध्यान में उतरना चाहिए, लेकिन आपको बहुत लग भी सकते हैं। वाह, सो गाइस आप देख सकते हो। सो डियर फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी टिश्यू जो कि फेशियल टिश्यू है एंड मुझे ना ये वाला यूज़ करनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना घर पे आते ही मैं बस टिश्यू से मेरा मुँह को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है एंड लग रही हूँ ना मैं एकदम चुड़ल जैसी। तो चलिए फटाफट से भी मुझको देखो ये जो टिश्यू है ना एकदम मेकअप को बहुत अच्छे से उठाने में हेल्प करती है, देखिए ज़रा। सो गाइस साइड में मैं आज जो जो फोटोशूट की थी ना साइड में एक एक करके आप देखते जाना। एंड मेरा आज का एक शूट था मॉडल शूट, तो मैं वहाँ पर शूट करी थी इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करनी पड़ी है। एंड अब देखो कितना ज़्यादा मेकअप थे मेरे फेस के ऊपर, मेरा टिश्यू देखो ज़रा इसका हालत। तो चलिए फटाफट से मैं ड्रेस को भी चेंज करके आती हूँ। सो गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर ली। अब बाड़ी है क्लिनजर की, तो कि मैं यूज़ करती हूँ ये सेटाफिल का जेंटल क्लिनजर। ये ना बहुत अच्छे तरीके से मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करती है एंड मैं फेस वॉश से पहले ना जेंटल क्लिनजर से फेस को बहुत अच्छे से एकदम से मेकअप को डॉट पोल्यूशन को रिमूव कर लेती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी पिम्पल हो, एक्टिव एक्ने हो, उसे भी क्योर करने में हेल्प करती है। सेटाफिल का जेंटल क्लिनजर के ना ऑल स्किन टाइप से यूज़ कर सकते हैं। स्किन के ऊपर जितने भी एक्टिव एक्ने हो सबको क्योर करने में हेल्प करती है, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड करने में हेल्प करती है गाइस। तो देख सकते हैं मेरा स्किन एकदम साफ हो चुकी है, तो मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ एंड इसके बाद यूज़ करनी है फेस वॉश। सो गाइस मैं ना द मॉम्स को का विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। आप आपका पसंद का कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। तो इसमें है विटामिन सी जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ना इसे यूज़ करने के बाद ना मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाइड्रेटेड भी बन जाते हैं, तो मैं इसीलिए हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। तो एक मेरा छोटा सा पाउच है गाइस, जो बड़ा वाला डिब्बा था ना वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है एंड बहुत अच्छे से फेस वॉश करनी है एंड देन वॉश। टाडा, तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा चमक रही है, एकदम चमक रही है गाइस। तो मैं ना ठंडे ठंडे पानी से मेरा फेस को अच्छे से धोकर आ गई हूँ एंड अब देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा चमक रही है। तो चलो थर्ड स्टेप होगा फेस वॉश के बाद, सेकंड स्टेप है टोनर। तो गाइस मैं ना यहाँ पर गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ करूँगी। तो टोनर ना कभी भी स्किप मत करना, हमेशा यूज़ करो गाइस, चाहे मॉर्निंग स्किन केयर हो चाहे नाइट टाइम स्किन केयर हो। इसे लगा इसमें स्किन के ऊपर जितने भी ओपन पोर्स है सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगी एंड अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड करने में हेल्प करती है। तो देखिए ऐसे टोनर को लगाने के बाद थोड़ी सी इसके फेस के ऊपर रखने दो एंड देन अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो गाइस। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ज़्यादा ग्लोरियस टाइप स्किन दिख रहा है एंड इसके बाद हमें यूज़ करनी है सीरम। टाटा, सो डियर मेरा यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की लिक्विड सीरम जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती है। स्किन के ऊपर जितने भी पिंपल वगैरह हो, डार्क स्पॉट हो, उसे भी क्योर करने में हेल्प करती है।
तो 3 to 5 ड्रॉप्स आपको लेना होता है। एंड ए वाला टोनर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना, एंड ये छोटू सा है एंड ऑल स्किन टाइप से यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री एंड मिनरल ऑयल भी फ्री है, एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छे, पैराबिन भी फ्री है एंड यू नो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड करती है। तो फेस वॉश सीरम के बाद हमें यूज़ करना है बहुत अच्छा खासा कोई भी मॉइस्चराइज़र। तो सीरम को अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब होने दो एंड देन टाटा। सो डियर, ये है पॉन्ड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये मेरा बचपन से फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका स्मेल भी है अच्छा है एंड इसमें है हेलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई। एंड हेलुरोनिक एसिड ना एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड अब तो समर का टाइम है एंड समर के टाइम ना ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका टेक्स्चर एकदम जेल बेस्ड टेक्स्चर है एंड स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है, हाइड्रेट करती है, स्किन को ग्लोरिया, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट करने में भी हेल्प करती है। तो महंगा महंगा मॉइस्चराइजर से भी ज़्यादा मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर ज़्यादा पसंद है गाइस। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन को एकदम से हाइड्रेटेड कर लिया है मैंने। शो यू द क्लोजली, आप देख सकते हो गाइस मेरा फेस कितना ज़्यादा चमक रही है। सो गाइस ऐसे क्लिंजिंग एंड फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सीरम सब कुछ मैंने लगा लिया है एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड खिल रहा है मेरा स्किन। तो अब तो डे का टाइम नहीं है, रात का टाइम है, तो मेरा नाइट टाइम स्किन केयर था तो मैं अब सनस्क्रीन नहीं यूज़ करूँगी। अगर आपको दिन में आप मेकअप उतरती हो ना गाइस, तब आप ज़रूर से सनस्क्रीन यूज़ करना अगर आप बाहर में जाती हो तो। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो का आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। सो गाइस तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू स्टे फिट एंड ब्यूटीफुल, बाय।